वेलकम बैक टू वेरी न्यू वीडियो। और मामलात कुछ ऐसे हैं कि भैया आपका भाई बड़े दिनों से एक ही चीज़ के पीछे लगा हुआ था, वो था व्लॉग 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 और व्लॉग। और व्लॉग के पीछे लगे लगे आज आपके भाई ने एक चीज़ ठान ली थी कि आज वीडियो इस मोबाइल पर रिकॉर्ड नहीं होगी, क्वालिटी में लाना है अपग्रेड। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो कहती है कि अपग्रेड बहुत ज़रूरी है, तो उसी लिहाज से मैंने बोला अपग्रेड तो लाना लाजमी है। तो अपग्रेड लाने के लिए आपके भाई ने सबसे पहले तो ये काम किया था कि जरा स्टैंड लिए थे ताकि शॉट अलग अलग एंगल से आराम से इजीली आ सकें, जैसे कि अभी लिया है। तो इट जस्ट टुक मी 2 or 3 seconds टू सेट अप फोन एनीवेयर, और मैं कहीं से भी शॉट किसी भी तरह का ले सकता। तो मामला जैसे ही उसके बाद ऐसा सीन था कि सेकंड चीज़ जो मैंने करने का सोची वो ये थी कि भैया अब बहुत हो गया मोबाइल से ब्लॉगिंग, और नहीं अब हमने प्रोफेशनली कैमरा पर शिफ्ट करना है। तो कैमरा पर शिफ्ट करने के सिलसिले में जो चीज़ें आई थी पिछले ब्लॉग में वो भी आपने देख लिया, जो पहली ट्राई थी। जब सेकेंड ट्राई हमने की तो चंद हमने लिए शॉर्ट्स, हम आपको वो शॉर्ट्स दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू वीडियो। और मामलात कुछ ऐसे हैं कि व्लॉग बनाते तो हम रोज हैं, लेकिन आज के व्लॉग में और प्रीवियस व्लॉग्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको क्वालिटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। उस क्वालिटी डिफरेंस के पीछे जो वजूहात हैं, वो वजूहात में सबसे बड़ी वजह यह है कि इस टाइम हम शूट कर रहे हैं DSLR से, रादर देन जिससे मैं नॉर्मली शूट करता हूँ, इट्स अ कैनन डिजिटल SLR। तो पहले क्वालिटी मेरे वीडियो से चंद यूँ होती थी, और अब मेरी वीडियो क्वालिटी चंद यूँ है। तो मामलात कुछ ऐसे हैं कि व्लॉग के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस लाया गया है, और आज का व्लॉग एक अदद मैं कहता हूँ क्वालिटी पे इंक्रीज भी है, और दूसरी बात ये भी है मेरे लिए मुश्किल भी हो गई है ज़्यादा। पहला मसला तो देखो, व्लॉग शूट करते हुए जो कैमरा से आता है वो है ये कि आपने डेटा रिकॉर्ड कर लिया इस जवान के बच्चे के अंदर, ये तार के थ्रू डेटा गया आपका अंदर, और ये आपका डेटा आएगा इस स्क्रीन पे, जो कि आपको कॉपी पेस्ट होने का बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ये देखें, ये एक वीडियो कॉपी पेस्ट होने में 4 मिनट कह रही है, तो इस तरह की कितनी वीडियोज़ हैं पीछे आप देख सकते हैं। तो पहला इशू तो आपके साथ ये आता है कि जब आप क्वालिटी पे काम करने जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फाइलें हैवी मिलेंगी, जो कि आपने इस तरह के कैमरे से इस तरह के तार के थ्रू इस तरह के लैपटॉप में, देन आप अगर लैपटॉप पर एडिट करते लैपटॉप पे, वरना अगर आपने फ़ोन से एडिट करना है तो उस पूरे डेटा को उठा के फ़ोन में लेंगे, उसके बाद आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। अच्छा, लेकिन कैमरा पे शूट करने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैं लो लाइट के अंदर इस टाइम पे शूट कर रहा हूँ, खिड़की से दूर हूँ, और मैं और दूर हो जाता हूँ, तब भी ये कैमरे से मेरा जो क्वालिटी है वीडियो की वो नहीं गिरेगी। तो इसमें मेरा एक फ़ायदा तो ये है। दूसरी बात ये है, जो मैं एक चीज़ से बड़ा घबरा रहा था वो ये था कि यार कैमरा में कोई माइक नहीं लगा हुआ एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल माइक आई थिंक सो ज़रूरी होता, लेकिन अभी जो मैंने फुटेजेस चेक की हैं तो उसमें एज सच मुझे ज़रूरत नहीं लगी एक्सटर्नल माइक की। और बाकी जो एक चीज़ दिक्कत देती है वो तो पीछे शीशे में नज़र आएगी कि ये जो आप बंदा देख रहे हैं जो पीछे बैकग्राउंड में ब्लॉग कर रहा है, इसके हाथ में इतना बड़ा कैमरा है, उसको बॉडी बनाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो हाँ भैया, जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो वो ज़रूरी पड़ जाएगी, क्योंकि भैया 2.5-3 किलो के कैमरे को 1-1 मिनट के शॉट के लिए इस तरह पकड़ने से आपका हाथ नहीं बचेगा। हाँ, तो भैया अपग्रेड करने की अगर मैं मेन वजह पर आऊँ तो मेन वजह जो अपग्रेड करने की थी वो ये थी कि देखो, हर चीज़ हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अपग्रेड करता है, उसके पीछे चंद वजूहत होती है, चंद रीजंस होती हैं। जब मैं इस फ़ोन से शूट कर रहा था तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस मेरी वीडियो में आ रहा था वो ये था कि लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, और लो लाइट एक ऐसा एज ऑफ द मैं कहता हूँ वीडियोग्राफी है कि जहाँ पर अगर आपकी फुटेज गिर जाए ना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मैं अगर बात करूँ, मेरा वीडियोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत सारी चीज़ें थी, फिल्म मेकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो उस वजह से अपना कंटेंट और अपनी वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर बात करूँ मैं इस फ़ोन की, तो इस फ़ोन से शूट करने का मसला ही सारा ये है कि मैं कुछ भी कर लूँ क्वालिटी बहुत गिरती है। अगर मैं आपको अभी दिखाऊँ तो दिस इज़ द कैमरा जिससे मैं शॉट ले रहा हूँ, ये अगर मैं मोबाइल से यही शॉट मोबाइल से लूँ इसी लाइट में, तो आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि ये शॉट कैसा है। और जहाँ तक मैं बात करूँ इस मोबाइल के शॉट की, तो आई डोंट थिंक सो कि ये शॉट जस्टिस कर सकता है कंटेंट के साथ, और आप लोग इसके शॉट को उस तरह पसंद करेंगे जिस तरह एक प्रोफेशनल कैमरे के शॉट को, जो कि एक प्रोफेशनल तरीके से लिया जाए उसको। तो यही सारे मामलात हैं जिस वजह से इंसान अपग्रेड करता है, और आई थिंक कि ये अपग्रेड वर्थ इट होगी और कंटेंट को इम्प्रूव करने में मेरी हेल्प करेगी। क्योंकि देखें,
जब तक मज़ा मुझे नहीं आएगा आपको कैसे आएगा। हाँ तो भैया डिसीजन का टाइम आ चुका है। अभी आई वॉज ऑन द पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ द वीडियो, जिसको बेसिकली एडिट बोलते हैं। तो एडिट में जैसा कि आप देख सकते हैं, एडिट पे जब मैंने शॉर्ट्स को सबको चेक किया तो आपका भाई इस नतीजे में पहुंचा है, माना मसली है, माना इस वीडियो के कैमरे को लेके ट्रैवल करना एक मसला है, माना इस वीडियो के कैमरे को अलग से चार्ज करना एक मसला है, माना इस वीडियो के कैमरे का वेट एक मसला है। लेकिन इन सब मसलों के होते हुए एक चीज़ जो जिसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता वो है क्वालिटी। तो जहाँ पॉसिबल हो सका वहाँ इस ये जो कैमरा आप देख रहे हैं, ये जो कैमरा है, इस कैमरे से हम शूट करेंगे। और जहाँ पॉसिबल नहीं हुआ वहाँ हम इसका सहारा भी लेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है लो लाइट की, लो लाइट शॉट जो इसमें माशाल्लाह जितने खूबसूरत आ रहे हैं उतने खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कभी हमने फ़ोन लिया और इस काबिल हुए कि इससे भी हम उतने ही खूबसूरत शॉट ले सके तो इससे ज़रूर लेंगे। और आज की वीडियो का जो मेरे हिसाब से टॉपिक था कि यार कैमरा से व्लॉग करना चाहिए या फिर मोबाइल से, तो वो टॉपिक तो मेरे हिसाब से आप लोगों को भी क्लियर हो चुका है अकॉर्डिंग टू माय प्रोस्पेक्टिव, कि अगर मैं इस मोबाइल से व्लॉग करूं या फिर मैं इस कैमरा से व्लॉग करूं या फिर मैं मोबाइल अपग्रेड करने की तरफ जाऊं, तो आई डोंट थिंक सो मोबाइल अपग्रेड करने से ये क्वालिटी अचीव हो पाएगी। और जहाँ तक बात है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की, तो हर बंदा वीडियोग्राफी के लिए कैमरा ही रेकमेंड करता है, मैं भी आपको कैमरा ही रेकमेंड करूँगा। क्योंकि जब आप काम करते हैं किसी इंडस्ट्री में, क्योंकि जब आप बात करेंगे YouTube इंडस्ट्री की, तो YouTube इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि आप जितनी अच्छी वीडियो बनाएंगे उतने आपके पास गेन आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट मेरे हिसाब से कैमरा बेस्ट ऑप्शन है। और आज की वीडियो थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा क्या कहूँगा मैं, काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई। तो खैर इसी नोट पर आज की वीडियो को एंड करते हैं। और होपफुली जिसको वीडियो पसंद आई हो, जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज मिली हो, जिसको ये कंपैरिजन पसंद आया हो इस मोबाइल और कैमरे का, बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि मोबाइल और कैमरा, हाँ अगर आप आईफोन 14 प्रो से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है इस कैमरे से अच्छी फुटेज भी हो सकती है उसकी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं अपने सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जहाँ मेरे फ़ोन की फुटेज तो इसके हिसाब से बिल्कुल अच्छी नहीं है। और क्योंकि ये एक एंट्री लेवल कैमरा है, इट्स अ कैनन 60D और ये एक इंटी लेवल स्मार्टफोन है, इट्स रेडमी 9C। तो अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो मैं कैनन के साथ हूँ। और एडिट भी अभी करके देखते हैं कि एक्सपोर्ट करने में कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, वो मामला भी हैं। एडिट तो मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है 80%। इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। लो लाइट परफॉर्मेंस आप लोगों को देख चुके हैं, ऑडियो कैसी लग रही है वो भी आप लोग बताएं, अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें, जो जिस बंदे ने जो चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं वो करें। और बस अपने भाई को याद करते रहें, इसी तरह सपोर्ट करते रहें, इसी तरह वीडियो देखते रहें। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और बस दैट इज इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब करें चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो भाई आप लोगों के लिए लेके आता रहेगा। और आपको आगे कैमरा के ट्रिक्स, बहुत सारे ट्रिक शॉट्स बताने, मैंने अभी तो मैंने ब्लॉगिंग सिखानी है आप लोगों को पूरी जितनी मुझे आती है, और ख़ुद भी सीखनी है। तो साथ ग्रो करेंगे, साथ चलेंगे। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Oh.